सो ये है पार्ट टू ऑफ आर प्रीवियस व्लॉग, जिसमें हम बिग बस का टूर लेके मम्मी पापा को घुमाने निकले थे न्यूयॉर्क सिटी और पहुंचे थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की क्रूज की लोकेशन पर। और अब आगे काफी सही डिसीजन था यार हमारा ये बिग बस लेने का, है जी। काफी कुछ देखते हुए आए हम, है जी बाबा जी। बिग बस में जो देखने को मिला वो सबवे में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए। चलो जी अब फटाफट भागते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि हम ना एक स्टॉप आगे उतर गए हैं। एक्चुअली पता ही नहीं चला कि उतरने का है, मुझे लगा वो बोलेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए यहाँ पे उतर जाओ। जो ईयरफोन्स लगे हुए थे उसमें बताते हैं वो कौन सा स्टॉप है और कहाँ पे उतरना है, तुमने लगा नहीं रखा था ना। हम घुस चुके हैं भाई अंदर तक, तो बस वहाँ से कहीं से अंदर से आपकी बैग चेकिंग वगैरह होती है एंड देन फिर आप बैठते हो बोर्ड के अंदर। टिकट भी स्कैन हो गई है एंड लाइन में भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, बस अब चढ़ा दें बोर्ड पे। हाँ, धूप काफी तेज है, हालांकि अभी थोड़े से बादल आ गए थे बट बादल फिर से छट गए हैं और बहुत तेज धूप लग रही है एकदम डायरेक्ट सर के ऊपर। आना चाहिए भैया, बारिश हो या ना हो कम से कम धूप से तो बचोगे। हाँ जी हो चुके हैं भाई बैग की स्कैनिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग, सारी स्कैनिंग कर ली उन्होंने। इवन उनको ये कैमरा देख के लगा कि अरे तुम यहाँ पे कोई मूवी वूवी की शूटिंग करने आए हो। मैंने कहा नहीं भाई, पर्सनल वॉक शूट करने आया हूँ। हमारे से पैसे तुमने चोरी किए, पैसे तुम दे नहीं रहे हो इसे। तो फाइनली जा रहे हैं हम बोट पे सवार होने के लिए। फिलहाल बोट खड़ी हुई है कोई? हाँ ये खड़ी है ना इधर, ये खड़ी हुई है बोट। चलो तो वो रहा दोस्तों वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके पास अभी हम जाएंगे ये वाली सामने वाली बोट लेकर। ये लो जी एक और इनकी क्रूज आ चुकी है और वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम नीचे से देख लेंगे। हाँ जी कहाँ बैठोगे? फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर नहीं बैठना? तो लोग ऊपर नहीं बैठेंगे इस बारे क्योंकि धूप काफी ज्यादा है, जबकि ऊपर बैठ के व्यूज काफी अच्छे आते हैं। हाँ जी तो मम्मी पापा को तो दिखाएंगे थोड़ा सा। मम्मी तो खुद ही कह रही फर्स्ट फ्लोर पे। पूरा क्या कहते हैं न्यूयॉर्क की स्काईलाइन दिखती है ऊपर से। हाँ तो यहाँ से भी दिखेगी। हाँ जी यहाँ से भी तो दिखती है नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। बाहर वो घिर गई तो अरे खाली भी तो होगी पूरा टाइम, फोन खुला रहेगा। ठीक है चलो देखते हैं। लो जी शिप पे हमारा आगमन हो चुका है। ऊपर ये बंद कर रखा है, इधर से आगे से चलना पड़ेगा। थोड़ी हिलसी भी रही है ना। ये देखो पापा हो गया, पापा कैसे हिल रहे हैं। मैं पापा झूल रहे हैं, पापा क्या पी के आए थे। ओ भाई मैंने दूध पिया था होटल वालों ने पता नहीं क्या क्या पिला दिया भाई। ऊपर देख कितनी भीड़ जा रही है, मुझे लग रहा सारे लोग ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ हिल बहुत रही है। ये रहा फर्स्ट फ्लोर, हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे। आ रही है अब तू? तू तो कह रही थी नहीं आएगी। पापा आगे बैठ गए, पापा ने सीट घेर लिया यहाँ पे, अपन यहाँ बैठ जाते हैं। पकड़ लो जी मैडम कैमरा थोड़ी देर, बहुत भारी है भाई ये, मुझे लग रहा है आधी मेरी भाई सब तो इसको उठाते उठाते ही बन जाएंगी। कह रही है ऐसा कोई कैमरा नहीं आता जो हल्का हो। हल्का भाई मेरे पास कैमरा बहुत रखे हैं, दो कैमरे रखे हैं मेरे पास, 360 भी रखा है और डीजे पॉकेट 2 भी रखा है, सामान मैं पूरा लेके चलता हूँ। मगर वही बात है ना, यूज नहीं कर पाता यार। इस साइड आएगी पापा, पूरी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन देखो सब, इस तरफ जा रहे हैं ना, अभी थोड़ी दूर जाने दो बोट को, फिर दिखाई देगी। निकल पड़े हैं दोस्तों हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ और यहाँ पीछे अभी थोड़ी देर में दिखने स्टार्ट हो जाएगी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन। हाँ ये देखो पीछे, वो दिख रही है पीछे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन, वो सारी। हाँ फोटो देखोगे ना न्यूयॉर्क की तो ये स्काईलाइन हमेशा दिखेगी।
नहीं, ये पूरी बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग जितनी भी दिख रही है देखो। हाँ वो मैग्नेट वगैरह में भी आती है यही फोटो बनी हुई। हाँ जी, हाँ जी यही फोटो आती है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, फोटो खिंचवाओ, फोटो फोटो फोटो। चलो जी यहाँ पे चल रहा है अभी फोटो सेशन, एंड देन यहाँ पे कुछ कुछ बता रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वो शायद ब्रुकलिन ब्रिज है, उस पे भी जाएंगे अपन। हाँ जी, तो पीछे आपको दिख ही गया होगा हमारे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और बस यहाँ पे अभी फोटो हुए खिंचवाए जा रही हैं। जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ जी जल्दी खड़े हो जाओ, काफी भीड़ है यहाँ पे आज। जहाँ स्पॉट देख रहा है फोटो खिंचवाने का, वहाँ पे खिंचवा लो जल्दी फोटो। तो यहाँ पे हमने बैठ के अभी सारी फोटो वगैरह खिंचवा ली है, फिलहाल अब बस इसका पूरा एक राउंड मारा जाएगा। हाँ जी, तो मम्मी आपसे पूछते हैं, वैसे तो मम्मी आपसे कैसा लगा आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी? धूप ज्यादा है, धूप थोड़ी ज्यादा है। हाँ हाँ जी, नहीं सुहावना मौसम है, धूप अच्छी है फोटो के लिए। वही है, कोई एडवांटेज है तो कोई डिसएडवांटेज है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ना अलग अलग टाइप की टिकट्स आती है, तो आप इसके वहाँ पैर तक भी जा सकते हो, देन क्राउन तक भी जा सकते हो। बट वही है, जितना आपको ऊपर जाना होगा उतना ही ज्यादा आपको रोकड़ा देना पड़ेगा, और उतनी ही पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो टिकट्स है ना वो बहुत जल्दी बिक जाती हैं। एंड जो हमने पास ले रखा था विच इज़ द गो सिटी पास, उसमें अंदर वाली टिकट इंक्लूडेड नहीं थी, बस ये जनरल एडमिशन इंक्लूडेड रहता है। हाँ जी, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। ये वाला भी पॉइंट अच्छा है फोटो के लिए, बिल्कुल सामने है, यहाँ पे भी खिंचवानी है, एक दो खिंचवा लो। मैं कह रहा हूँ ट्विनिंग देख लो, यहाँ पे मम्मी जी ने और तान्या ने सेम जूतों की ट्विनिंग कर रखी है, और हमने, मैंने और ताने ने सेम कलर की। मैं बोल रही हूँ ये है न्यूयॉर्क की स्काईलाइन। हाँ जी, मैग्नेट्स वगैरह लेते हैं ना। हाँ। उस पे ये बनी हुई होती है ऐसी बिल्डिंग, इसकी फोटो। हाँ। बोलो। मैं कह रही हूँ यहाँ से जो दो ब्रिजेस दिख रहे हैं, पहले वाला जो है वो है ब्रुकलिन, पीछे वाला मैनहट्टन ब्रिज है, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। यस, ब्रुकलिन ब्रिज पे जाएंगे, ब्रुकलिन ब्रिज पे जाएंगे, मैनहट्टन पे नहीं, ब्रुकलिन ब्रिज पे। यस, तो भाई पता है काफी लोगों को ना हम एक ड्रिंक लेके घूमते हुए देख रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी जाग गई कि ये ड्रिंक में है क्या ऐसा, तो पता चला भाई वो नींबू पानी है, तो पीछे ही कहीं मिल रहा है, एंड देन हमने सोचा चलो हम भी ले लेते हैं, तो वो नींबू पानी मिल रहा है आपको $7 का। इतने में हम तीन ले लेंगे। वो महंगा इसलिए क्योंकि वो जो कप में दे रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि सुविनियर है आपके लिए, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है ना उसकी शेप में है वो, तो इसीलिए ना उसका प्राइस उन्होंने $7 रख रखा है, मतलब 7.43। नहीं चाहिए हो तो वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसी में ही मिलेगा, ऑप्शन देना चाहिए ना ये। हाँ जी, उसके अलावा बाकी यहाँ पे ना खाने पीने के काफी ऑप्शन है, मतलब पूरा कैफे वगैरह बना रखा है, एंड नॉन वेजिटेरियन तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, बट वेजिटेरियन बर्गर वगैरह भी मिल रहे हैं जो कि हमने देखे थे, टेस्ट हमें नहीं पता है, तो मतलब खाने पीने का जुगाड़ है यहाँ पे, अगर आप ना लेके आओ तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे खाने पीने का मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ जी, वेज बर्गर भी था। चलो वापस से चलते हैं फेरी में बैठने, मन तो था वो नींबू पानी लेने का, बट काफी महंगा है, इतना पैसा खर्च करना वर्थ इट लग नहीं रहा उस नींबू पानी पे। तुम बाहर से ले लेना। हाँ जी, कुछ वही मैं सोच रहा हूँ, हाँ कहीं और से कुछ और ले लेंगे, फिलहाल सामने सामने खड़ी भी हुई है फेरी, देखते हैं हमारा इसमें नंबर आता है या नहीं। अब देखो यहाँ पे ना तो दो फेरी जाएंगी, एक जा रही है न्यूयॉर्क की तरफ और एक ये जा रही है न्यू जर्सी की तरफ। लो जी यहाँ से तो हमारी एंट्री हो चुकी है बंद, तो इस वाली फेरी में तो हम नहीं चढ़ पाएंगे, नेक्स्ट फेरी की इंतजार करनी पड़ेगी, वो आ ही चुकी है। लोगों ने यहाँ पे भी कॉइन्स पैक रखे हैं भाई। मन्नत मांग सकते हो पूरी हो जाती है वो देख। ये
कितने पैसे बन जाएंगे? क्या कह रहे हो पापा जी? इंडियन कॉइन्स निकल रहे हैं। यहाँ वाले चाहिए, मन्नत पूरी नहीं होगी फिर। चलो चलो चलो, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया भाई खुल गया। सामने देखो जो कप थे सुविनियर कप, लोग यहाँ पे इसमें छोड़ के चलते बने, जबकि पैसे इन्हीं के थे। नींबू पानी में $7.43 का था वो, और मैक्सिमम पैसे इसी के वो ले रहे थे। कोई कैरी नहीं करना चाहता, कैसे कैरी करेगी? उसके पास बैग वैग कुछ नहीं है, वो कैसे लेके जाएगा? और ऊपर से ये गंदा हो जाएगा। हाँ, नींबू सारा। तो मतलब $7 आपने नींबू पानी के दे दिया है अभी। क्या मतलब है किसी को? और ऐसे नहीं एक दो ने छोड़ा हो भाई, देख कितने 7-8 तो कप्स है ही वो। लो जी पहुंच गए वापस न्यूयॉर्क सिटी। बीच में ये फेरी एक और आइलैंड पे रुकती है जिसका नाम है एलिस आइलैंड। बट वहाँ पे जनरली म्यूजियम्स वगैरह ही हैं जिनको देखने में हमारा इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं, तो हम फिर वापस ही आ गए। और इसी के साथ ख़त्म होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टूर और ये व्लॉग भी। बट लोअर मैनहट्टन को एक्सप्लोर करना अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कि आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो और नई सीरीज देखनी है तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड मम्मी आपको देखो आगे भागते हुए जा रहे, तो उनको पकड़ते हैं जल्दी से जाके। चलो।